जुझारू साथियों को लाल सलाम, लड़ाकू साथियों को लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिना विभाग की जांच के FIR बंद हो, बंद हो, बंद हो। लेके रहेंगे अपना हाथ, बोलो मत, बोलो मत। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है। बाजी करते रहो, नमस्कार। पिछले 15 मई से लगातार पटवारियों का प्रदर्शन चल रहा है, देख सकते हैं कड़ी धूप है और इस कड़ी धूप में लगातार यहां प्रदर्शन जारी है। आज 30वां दिन है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट की ओर से किसी तरह का कोई पहल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आज इसको लेकर के हम पटवारियों के बीच में पहुँचे हैं और यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा और इसमें कोई इसका कोई हल निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, अभी तक क्या हुई है इस पूरे आंदोलन में, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इस आंदोलन के बारे में। नाम बताएंगे? राम निवास पटेल, संरक्षक, राजस्व पटवारी संघ, जिला शाखा रायगढ़। आंदोलन का 30वां दिन है, कब से आप लोगों ने शुरू किया था और अभी तक इस पूरे आंदोलन को लेकर क्या निकल रहा है? हम लोगों ने 15 मई से अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन प्रारंभ किया था और पूरे प्रदेश में ये धरना आंदोलन सभी तहसीलों में, सभी ज़िलों में धरना आंदोलन चल रहा है और हमने शासन के समक्ष कई बार अपनी मांगे लिखित सूचना देके सूचित किया कि हमारी 2020 की ये मांगे हैं और इन मांगों पे यथाशीघ्र कार्यवाही होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, पटवारी से राजस्व निरीक्षक में प्रमोशन एक बार ही हुआ है, वो भी 2012-13 में, और उसके बाद 16 में, उसके बाद प्रमोशन की कार्यवाही बंद है। हमारे बहुत से ऐसे पटवारी साथी 32 साल 33 साल की सेवा कर चुके हैं लेकिन उनको अभी तक एक भी प्रमोशन नहीं मिला है, तो वो हमारी मुख्य मांग है। वेतन विसंगति की मांग है, कार्य के अनुरूप हमारा वेतन बहुत ही कम है। अच्छा, अभी गवर्नमेंट से अपनी कुछ बातें हुई हैं इस आंदोलन को लेकर के, इस आंदोलन ख़त्म करने के लिए? जी हाँ, हमारे प्रदेशाध्यक्ष जो हैं राजस्व पटवारी संघ के, भागवत कश्यप जी को बुलाया गया था और कल राजस्व सचिव महोदय से चर्चा हुई है और उस चर्चा के संदर्भ में आज हमारे पूरे प्रदेश के जिलाध्यक्षों की मीटिंग है और उस मीटिंग में क्या निकल के आएगा ये तो शाम तक पता चलेगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि चर्चा सकारात्मक होगी और शासन हमारी स्थिति को समझेगी और हमारी मांग पर न्यायोचित निर्णय लेगी। हमारे साथ राजस्व निरीक्षक संघ के अध्यक्ष आए हुए हैं जिनसे हम इस बारे में चर्चा करेंगे। जी भैया, समर्थन देने पहुँचे हैं जी, इस बारे में बताएंगे। हम लोग राजस्व पटवारी संघ के आज ये 30वें दिन हड़ताल होने पर शासन के द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाने और उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेने के कारण एवं काला कानून एस्मा अचानक थोपे जाने के विरोध में आज प्रांतीय आह्वान पर हम सभी राजस्व निरीक्षक पटवारी साथियों के हड़ताल में उपस्थित हुए हैं। उनको हम भौतिक रूप से समर्थन करते हैं, इनकी मांग जायज़ है, शासन इनकी मांगों पर उचित विचार करे और निर्णय ले। पटवारियों का वेतनमान, पटवारियों का कार्यप्रणाली पूर्व में ऑफलाइन हस्तलिखित प्रक्रिया के तहत चलती आई है और आज पूरी भूया भू अभिलेख का कंप्यूटरीकरण हो चुका है, तो कंप्यूटरीकरण के हिसाब से इनको वेतन भत्ता, नेट भत्ता और संसाधन शासन को उपलब्ध कराना चाहिए और हमें हमारे पटवारी साथियों पर गर्व है। मेरा नाम जनीता इजादार है। आज हम लोग 30वां दिन है, हम लोग यहाँ पर हड़ताल में बैठे हुए हैं। हम अपनी आठ सूत्री मांगों को लेके हड़ताल कर रहे हैं। आठ सूत्री मांगों में हम लोग का सबसे पहले मांग है वेतन विसंगति, दूसरे में है प्रमोशन, जैसे हम पटवारी में ही हमारी नियुक्ति होती है, पटवारी में ही हम लोग का ट्रांसफ़र हो जाता है, रिटायर हो जाता है और प्रमोशन नहीं मिलता, उसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि प्रमोशन दिया जाए।
और महंगाई भत्ते हैं, कंप्यूटर नेट पैक वगैरह है, ऑनलाइन काम होता है, हर काम आजकल ऑनलाइन है, तो हमको कोई संसाधन वगैरह नहीं दिया जाता है, ना ही नेट पैक दिया जाता है, तो उसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। और मुख्यालय बाध्यता है, और कुछ पटवारी के भर्ती के लिए हम लोग स्नातक की मांग कर रहे हैं योग्यता, और एक है, और सबसे मुख्य मांग है हमारा जो है FIR हो जाता है, बिना विभागीय जांच के FIR दर्ज हो जाता है, पहले जांच हो जाए उसके बाद FIR हो, जो भी हो, लेकिन वो सबसे पहले FIR हो जाता है। इन सब मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हाँ, मुश्किल तो होता है, गर्मी का समय भी है, उनको घर भी देखना होता है, और यहाँ हड़ताल पे भी सुबह 10 बजे से पूरे ड्यूटी, मतलब 5 बजे तक बैठना पड़ता है कंटिन्यू। तो शासन से हम बहुत रिक्वेस्ट कर चुके और अभी भी कर रहे हैं कि अब तो हमारी मांगों को कम से कम सुन ले, इतने दिन वक्त इसके बावजूद वो ASMA लगा के रखे हैं। तो हम ये शासन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी करें।